सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत के लघु सचिवालय के सभागार में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने लोगों की जन समस्याएं सुनी और उनका मौके पर ही निपटारा किया गया। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा एक्शन मोड में दिखाई दिए और बैठक में नगर निगम के अधीक्षण अभियंता और कार्यकारी अधीक्षण अभियंता के नाम पूछने पर जिला उपायुक्त को दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। गठबंधन सरकार के नेताओं के बीच में चल रही जुबानी जंग पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये संगठन करेगा कि आगामी चुनाव गठबंधन में होगा या नहीं। सोनीपत के लघु सचिवालय के सभागार में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में हरियाणा कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने लोगों की जन समस्याएं सुनी और इस बैठक में जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में पंजीकृत 10 समस्याओं में से कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने 7 का मौके पर ही निपटारा कर दिया और जबकि अन्य 20 समस्याओं का भी कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने मौके पर ही निपटारा किया। में थी वो टोटल 10 थी और 10 में 7 को हमने निवारण किया है, 3 हमारी पेंडिंग है और 20 शिकायत और बाद में आई थी जिनमें 7 के साथ उनका भी निवारण हमने किया है। जिन लोगों की पानी की है, सड़क की है, सीवर की है या प्लॉट की है, बिजली बोर्ड की है, उन समस्याओं को भी हमने 7 के साथ आधिकारिक तौर पर निपटाने का काम किया है। और ग्रीवेंस में जो लोग जो पुराने ग्रीवेंस थे, फैमिली आईडी की थी, इस तरह की इस लोगों की जो डिमांड थी और सबसे ज़्यादा फैमिली आईडी पर लोग बार बार जो कहते हैं इनको ठीक किया जाए, इस तरह की समस्याएं थी और ग्रीवेंस में सबको उनको कम्प्लीट किया। सर, नगर निगम के 2 अधिकारियों पर आपने कार्रवाई के आदेश हैं, वो दिए हैं क्या? मेरा ये कहना है कि जब डीसी ग्रीवेंस का ग्रीवेंस के रहता होता है, जब डीसी के नेतृत्व में पूरा जिला है तो अधिकारी को अपने जो अधिकारी हो, एक्शन हो, एससी हो, जानकारी होनी चाहिए। अब एसडीओ को जानकारी पूरी निगम की नहीं हो सकती, या तो एक्शन बताएगा या एससी बताएगा। अब एसडीओ एक अपने डिवीजन का है, वो पूरे जिले की जानकारी नहीं दे सकता। हाँ, किसी को छुट्टी हो सकती है तो जानकारी दे के अधिकारी को जाए कि मैं हूँ नहीं और स्टेशन छोड़ कर जानकारी पता होनी चाहिए। तो इसलिए जब तक अधिकारी काम को काम नहीं समझे कैसे काम चलेगा, लोगों की समस्या को कैसे करेंगे। सर, गठबंधन में आप सरकार है वो चला रहे हो, जनता जनता पार्टी के साथ, लेकिन दोनों पार्टियों के नेताओं के विरोधाभास के बयान वो सामने आ रहे हैं, क्या गठबंधन जो का तो जारी रहेगा या आने वाले भविष्य में गठबंधन तोड़ा जा सकता है? आज भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का गठबंधन, दोनों की सरकार है और दोनों सरकार चल रही है, दोनों सरकार में मिलकर हम काम कर रहे हैं और कोई विरोधाभास कोई नहीं। संगठन अपना तय करेगा, संगठन अपना काम करेगा, सरकार अपना काम करेगी और जो भी है मिलकर आज हम सरकार चला रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पटौदी में उनकी बेटी आरती राव, उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को हटाना है तो भारत गौरव रैली को सफल बनाएं, उसको लेकर आपने क्या? नहीं, जो आपने मुझे जानकारी दे रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, राव इंद्रजीत हैं, बड़े नेता हैं, मुझे जानकारी नहीं क्या उन्होंने कहा है क्या नहीं कहा है और उनकी अपनी ये बांध के दक्षिणी हरियाणा में उनकी अपनी पहचान भी है। सर, उनकी बेटी है, आरती राव है, वो 25 तारीख की जो रैली है उसको लेकर अलग अलग जनसभाएं कर रही है और वहां जाकर ये बोल रही है कि अगर इस बार मुख्यमंत्री को हटाना है तो ये जो 25 तारीख की रैली है इसको सफल बनाए, इस प्रकार के बयान जो आप ही की पार्टी से संबंधित नेत्री है। नहीं, मेरा तो कहीं कोई विधायक हो, कोई सांसद हो, कोई इस तरह की बात है, मुझे कोई आदमी क्या कहता क्या नहीं कहता। सर, पहलवान साक्षी मलिक और उसकी पत्नी की वीडियो जारी करके भाजपा नेत्री बबीता फोगाट और जो सोनीपत जिला अध्यक्ष उन पर आरोप लगाए कि उन्होंने ही परमिशन दिलाई और यही प्रोपेगेंडा रचाया। ये हरियाणा की बेटी है, हमारी अपनी बेटी है, देश की शान है, मेडल जीत के लाई है, ये मामला है, सब कुछ करते लगे हैं, बेटियों का मामला है, सब कुछ शांति से। सर, नारी गांव से शिकायत नहीं, उसमें जो जानकारी 2021 की जो घोषणा है
मुख्यमंत्री जी ने, उसका कहना है फिरने की जो पैमाइश थी, जो फिरने की उसके काम रुका हुआ है, उसकी नपाई नहीं हो पाई, उसकी नपाई नहीं होगी, उसकी पैमाइश करके हमको कब्जा मिलेगा, काम नहीं होगा। दीपेंद्र हुड्डा सर बीजेपी के 9 साल के कार्यकाल, विपक्ष की भूमिका है, विपक्ष का उनका अपना काम है, विपक्षी भूमिका निभानी चाहिए। और दीपेंद्र सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटा हैं, अपनी बात विपक्ष के अपनी बात नहीं रखेंगे तो फिर कैसे विपक्ष चलेगा। कांग्रेस में लगातार आंदोलन कर रहे हैं सर अपनी मांगों को लेकर, उनकी कॉल है कि 25 जून को कितना हरियाणा रोजगार के कर्मचारी धरना देंगे, यही है ना। और उन्होंने मेरे पास आए भी थे, उनकी डिमांड है, छोटी छोटी जो डिमांड है हरियाणा रोडवेज कर्मचारी की, उनकी डिमांड को सबको पूरा करके हमारा पार्ट है। और रोडवेज कर्मचारी कोई अलग थोड़ी है, सबसे महकमा एक ऐसा है जो सब गरीब का हवाई जहाज है, एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाता है, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। उनकी जो भी छोटी मोटी डिमांड है, कल हमने मीटिंग बुलाई है अपने सारे महकमे की ट्रांसपोर्ट की, उस मीटिंग में जो भी बात है रखेंगे और जो भी हमसे हल होंगे हम करेंगे। कांग्रेस पार्टी में मैंने तो ये भी सुना है कल आपके चैनलों के माध्यम से किसी ने मुख्यमंत्री घोषणा कर दी, फिर रहेंगे तो मुख्यमंत्री हम रहेंगे, तो कांग्रेस का तो अपना ही जलवा, कौन मुख्यमंत्री है, कौन महकमे भी बटके गई हैं कांग्रेस के, तो कांग्रेस के तो मुख्यमंत्री बनने का सारा नोबल तेल होगी ना राधा ना चाहिए, इनका तो मामला ही ऐसा है।